दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत हेनरी लॉ यानी हेनरी के नियम के बारे में। दरअसल दोस्तों कई बार हेनरी नियम हेनरी लॉ से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। हेनरी लॉ है क्या, हेनरी नियम कहते किसे हैं? दोस्तों बहुत सिंपल है हेनरी लॉ, हम लोग जरा इसे ऐसे समझते हैं। आप देखते होंगे कोका कोला का, दोस्तों जो आप वाटर देखते हैं कोका कोला, आप लोग देखे होंगे कोका कोला जैसे ही आप ओपन करते हैं उसके ढक्कन को आप खोलते हैं ओपन करते हैं तो उसके अंदर से बहुत तेजी से गैस बाहर निकलती है। दोस्तों जो गैस बाहर निकलती, क्या आपने कभी विचार किया है कि जो गैस है उस जल में वाटर में डिजॉल्व होता है वो किसके कारण यानी किस नियम के आधार पर डिजॉल्व होता है? दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं वो जो नियम होता है वो हेनरी लॉ हेनरी नियम ही होता है। यानी किसी गैस को आपको जल में घोलना है तो आप कैसे घोलेंगे, यही हेनरी लॉ हेनरी नियम बताता है, राइट। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे हेनरी लॉ हेनरी नियम के बारे में। आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, हम लोग अध्ययन करेंगे हेनरी लॉ। ये क्या है हेनरी का नियम, हेनरी लॉ किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है। यानी दोस्तों हम लोग क्या करना है, टेम्परेचर को दोस्तों स्थिर रखना है और किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है। यानी आप टेम्परेचर को स्थिर रखिए और विलयन की सतह पर आप हाई प्रेशर दीजिए तो दोस्तों जो गैस होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, द्रव में घुल जाएगा। बात समझ में आई, यही दोस्तों हेनरी लॉ बोल रहा है। यानी स्थिर टेम्परेचर को आप स्थिर रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा बीकर है, यहाँ पे नॉर्मलिटी मोलारिटी हमें इन सब में नहीं, हमें मोल फ्रैक्शन में लेना है, राइट, यानी मोलों की संख्या में लेना है। तो यहाँ पर ये नीचे आपको जो दिख रहा है दोस्तों ये क्या है, ये गैस है और ये क्या है, ये लिक्विड है। क्या है दोस्तों, लिक्विड है, राइट। अब हमने क्या किया, इस जो गए दोस्त सॉरी दोस्तों ये नीचे दोस्तों ये क्या होगा, लिक्विड है, यहाँ पे आप लिखिए लिक्विड और ये ऊपर वाली क्या है, गैस है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमें इस गैस को लिक्विड में घोलना है तो आप क्या करेंगे, नीचे से टेम्परेचर देंगे तो गैस है तुरंत ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर नहीं देना है, बात समझिए, यहाँ पे हमें दोस्तों टेम्परेचर नहीं देना है। तो हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर नहीं देना है, हमें नीचे टेम्परेचर नहीं देना, बस गैस को घोलना है प्रेशर बढ़ाकर, राइट। यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, किसी गैस का आंशिक दाब यदि पी हो उस विलयन में गैस का मोल अंश यक्स के समानुपाती होता है। यानी यदि गैस का आंशिक दाब पी हो तो उस गैस का जो मोल अंश होता है उसके यक्स के समानुपाती हो, यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है दोस्तों, कोई भी पदार्थ यक्स मोल फ्रैक्शन एनी वन समथिंग जो इसमें घुल रहा होता है उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, यक्स। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे दोस्तों कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लेंगे, पी इक्वल टू के एच इंटू यक्स। यही है दोस्तों हेनरी लॉ हेनरी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर देखिए पी क्या है, पी दोस्तों पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है, के क्या है हेनरी कॉन्स्टेंट है, यक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड में किसी गैस का कितना मोल घुला हुआ है ये सब बताता है। दोस्तों कुछ हेनरी लॉ से संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंटेड बातें हैं, जरा इनके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। क्या बातें हैं दोस्तों, पॉइंटेड बातें हेनरी लॉ संबंधित, एट कॉन्स्टेंट पी, यानी दोस्तों यदि आप ध्यान दीजिए कॉन्स्टेंट यानी पी को यदि आप कॉन्स्टेंट रखेंगे, दाब को स्थिर रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंटेड बातों के बारे में जिक्र कर रहे हैं हेनरी लॉ और किस किस नियमों पर लागू होता है। तो दोस्तों आप प्रेशर क्या करिए, स्थिर रखिए, प्रेशर को आप स्थिर रखिए और टेम्परेचर बढ़ाइए। जब प्रेशर को दोस्तों स्थिर रख कर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एट कॉन्स्टेंट पी, यानी अगर दाब स्थिर हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपान के एच, यानी के एच का वैल्यू बढ़ेगा तो यक्स घटेगा, यक्स बढ़ेगा तो के एच घटेगा, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं के एच वैल्यू यानी कॉन्स्टेंट हेनरी कॉन्स्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, राइट।
और दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण बातें हेनरी लॉ संबंधी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट दोनों बढ़ेगा। तो यहाँ ध्यान दें, समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए केएच का मान भिन्न भिन्न होता है। टेम्परेचर दोस्तों क्या हो, समान हो तो विभिन्न गैसों के लिए केएच का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है केएच का मान गैसों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो ये जरा हम लोग सीख रहे हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, सही बात। समान ताप पर, यानी दोस्तों टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए केएच का मान भिन्न भिन्न होता है, सही बात। सेम टेम्परेचर पर केएच का मान भिन्न, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, केएच का जो मान होता है दोस्तों गैसों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। बाप यहाँ गैस ताप पर केल्विन, यानी केएच पर बार, ये भी केल्विन में है। यहाँ भी आप देख पा रहे दो गैसेस है, हीलियम है और हाइड्रोजन है। टेम्परेचर को हमने सेम रखा है 293। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों केएच का जो वैल्यू है वो घट रहा है, अलग अलग हो गया, राइट। इससे ये निष्कर्ष निकलता है गैसों का मान जो है प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। समीकरण दो से क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, केएच का मान जितना अधिक होगा गैसों के द्रव में विलयता उतनी कम होगी, सही बात। केएच का मान जितना बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, घट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ और पॉइंटेड बातें क्या बताई गई हैं, समान गैस के लिए ताप बढ़ाने पर केएच का मान बढ़ता है, सही बात। दोस्तों यदि गैसें सेम हो और ताप बढ़ाएंगे तो केएच का मान तो घट ही जाएगा। यहाँ पर देखिए गैसें सेम हैं, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, पहले हमने ऑक्सीजन का टेम्परेचर 293 रखा था, फिर हमने ऑक्सीजन गैस 303 कर दिया, केएच का मान दोस्तों क्या हुआ, अलग हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हेनरी कांस्टेंट संबंध ग्राफीय निरूपण है, तो पी इक्वल टू पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स होता है, तो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे दोस्तों, क्या कांस्टेंट, पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स, राइट, यानी वाई इक्वल टू एम एक्स से जब आप कंपेरिजन करेंगे तो वाई एक्सेस में पी जाएगा और एक्स एक्सेस में मोल फ्रैक्शन जाएगा, और ये क्या होगा, ओरिजिन से जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ वाई क्या है, प्रेशर है, और एक्स क्या, मोल फ्रैक्शन है, और एम क्या है, ये ओरिजिन से यहाँ से यहाँ शून्य से जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ पा रहे हैं हेनरी लॉ के बारे में। दोस्तों हम लोग जिक्र कर रहे हैं हेनरी लॉ, यहाँ पर आप देख पाएं ये सेम गैस के लिए है, समान गैस के लिए है। सेम गैस के लिए दोस्तों यदि आप ताप पढ़ाएंगे तो हेनरी यानी के एच का वैल्यू क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने बताया डिफरेंट यदि गैस है आपके पास, भिन्न भिन्न गैस है और टेम्परेचर आप सेम रखिए, तो हेनरी लॉ दोस्तों क्या होगा, ये अलग परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है दोस्तों जो केएच का मान है वो गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, राइट। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया एट कांस्टेंट पी आप प्रेशर को स्थिर रखिए और टेम्परेचर आप बढ़ाइए, जैसे दोस्तों आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, सही बात। आप ऐसे सोचिए कि अगर हम कोई चीज़, कोई सॉल्यूट को अगर हम जल में घोल रहे हों, मान लीजिए कोई हम गैस को अगर दोस्तों जल में घोल रहे हों और नीचे से टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो कभी ये घुलेगा, नहीं घुलेगा दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। एट कांस्टेंट पी यानी आप यदि प्रेशर को स्थिर रखकर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, नहीं बढ़ेगी, राइट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स का वैल्यू के एच के क्या होता है, इन्वर्सली होता है जब पी स्थिर हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या जान पाए थे, हेनरी लॉ के बारे में, हेनरी नियम है क्या दोस्तों, हमने बताया स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है, यानी टेम्परेचर क्या स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है। ये दोस्तों हमने आपको बताया अगर किसी गैस को जल में घोलना है तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को स्थिर रखेंगे। आप ऐसे सोचिए हमारे पास कोई विलयन है, सल्यूशन है, ये जल है, ये गैस है, इस गैस को दोस्तों हमें जल में घोलना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो ये घुलेगा जल में, बट अगर हम नीचे से टेम्परेचर भी देंगे तो कभी गैस घुलेगा नहीं, गैस तो वैसे भी इसका टेम्परेचर हाई है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट है और गैस की गतिज ऊर्जा अधिक होती, जैसे टेम्परेचर मिलेगा तो गैस के मालिक्यूल सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, उड़ जाएंगे। और इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीख पाए हेनरी लॉ, हेनरी नियम के बारे में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। और दोस्तों हम सभी चैप्टर संबंधित एक एक हेडिंग
प्लेलिस्ट में हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं। और यदि आपको कहीं किसी चैप्टर किसी हेडिंग की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।